दमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से है परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। इवान में वर्दी के गुंडागर्दी इतना बढ़ गया कि अपने हिसाब से आवेदन लिखवाते हैं असाओं के थानाधिकारी। सिवान पुलिस जहां अपने काम के नाम से जानी जाती है, मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा मामला सिवान जिले के असाव थाना का बताया जा रहा है। असाव थाने में थानेदार और मुंशी की चलती चल रही है। जैसे थानेदार और मुंशी कहेंगे उसे हिसाब से आवेदन लिखना होगा, उसे हिसाब से कानून की धाराएं लगाए जाएंगी, वरना FIR अथवा सनहा दर्ज नहीं किया जाएगा। इसको लेकर पीड़ित राजेश चौहान ने बताया कि पिस्टल के बल पर बाइक और मोबाइल की छिनतई का आवेदन देने असाव थाने गया था, जहाँ थानेदार और मुंशी द्वारा अपने मन के मुताबिक चोरी का आवेदन लिखवाकर साइन करवा लिया गया। 9 जून की रात्रि असाव पुलिस द्वारा मनिया गांव में छापेमारी कर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अपराधी को पकड़ा गया था। सूचना पर जब अगले दिन थाने पहुंचे तो चौकीदार द्वारा बाइक और अपराधी की पहचान कराई गई। जब मैंने कहा कि इसी व्यक्ति द्वारा मेरी कनपट्टी पर पिस्टल तान दी व अन्य अपराधियों द्वारा मेरी बाइक और मोबाइल लूटी गई थी, मेरे इतना बोलते ही असाव थानेदार रवि कुमार आग बबूला हो गए और गाली देते हुए मुझे थाने से भगा दिया। उसके बाद अपराधी से पैसे का लेन देन कर उसे भी छोड़ दिया गया। इसको लेकर पीड़ित ने सिवान पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि सिवान SP अमितेश कुमार इस पर क्या एक्शन लेते हैं। हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें नौतन थाना प्रभारी एक युवक को केस में फंसा कर बर्बाद करने एवं एनकाउंटर करने की बात भी कर चुके थे। इसको लेकर सिवान SP अमितेश कुमार ने इनको निलंबित भी कर दिया था। किससे मिलने के लिए आए थे, क्या मामला है आपका? हम DSP सर से मिलने आए थे सर। क्या क्या बात है कि DSP साहब से मिलने आए थे? DSP साहब से मिलने आए थे कि हमारा जो बहन का हस्बैंड है उसका बाइक छीन लिया गया था। हाँ सर, चोरी नहीं हुआ था, लेकिन असाव थाना में चोरी के थी कंप्लेन लिखवाए थे। छीना गया था बाइक? हाँ, बाइक तो हमारा छीना गया है, लेकिन वो सब बोल रहा है, लिखाया है कंप्लेन में कि चोरी हुआ था। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग के घटना हुआ है ना, वैसे वैसे नहीं लिखने दिया लोग, नहीं लिखे हैं सर। उसको तो फिर आप मिलने के आए? हाँ, मिलने आए थे, वहाँ पर नहीं सुन रहा था। जब हम ये पहचान लिया, किसको पहचान लिए? जो गाड़ी छीना था, चार आदमी था ना। हाँ, तो एक आदमी के छीन गया, रात के पकड़ के लेकर आए थे। कौन पकड़ा था लोग? बड़ा बाबू पकड़ के लेकर आए थे, छापामारी में गए थे। कैसे छापामारी पकड़ के लाए थे? पकड़ के लाए थे। अगले दिन आप लोग थाना में गए थे? हाँ, कल गए थे थाना में। हाँ, कल। और रात के लड़कवा पकड़ के आया था, तो हम लोग कल गए थे। बड़ा बाबू हमसे इंश्योरेंस के कागज मांगे हुए थे, तो हम लोग लेके गए थे वहाँ पर लेके गए थे। तो बड़ा बाबू बोले थे कि एक गाड़ी पकड़ के आया है, पहचान लेंगे तो देख, जाके पहचानिए तो तुम्हारा है। तो पहचाना कि नहीं, हमारा नहीं है, लेकिन जो लोग चोरी करने आए थे बाइक से, वही बाइक हुआ था। लेकिन बड़ा बाबू एक बार नहीं बोला था कि एक मुजरी पकड़ के आया है, एक लड़का पकड़ के आया है, उसको दिखाएंगे तो ये चीन लेगा, एक बार नहीं बोला था। वो बोला था कि रात के वो लड़का पकड़ के आया है, आप देखेंगे तो चीन लेंगे। तो ये बोला था हम चीन लेंगे। जब चिन्हाने के लेकर गया था तो गए तो चीन लिया कि हाँ सर, यही लड़का था जो गन फिराया था ना, यही लड़का था, गन हिला के छीन लिया वो। फिर बड़ा बाबू के बुलाए थे हम लोग कि सर यही लड़का था। तो बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि इसको गाली देने लगे, बहन चोर मारते मारते यहीं पे हगा देंगे जिस। हाँ बोले, वो बोलने लगे कि मन भगा दिए। हाँ, जिसको देखेंगे उसको बोला, जिसको देखाएंगे उसको कहेंगे कि यही था। छोड़ दिए उसको? हाँ, काल 2-4 बजे छोड़ दिए थे। छोड़ दिए उसको? हाँ, छोड़ दिए। आप लोग क्या करने आए थे यहाँ पे? यहाँ पे हम डीएसपी साहब के पास मिलने के लिए आवेदन लेके आए थे। मुलाकात हुआ? हाँ हुआ। क्या बोले हैं? बोले हैं कि ठीक है, हम लोग जांच करते हैं। फोन किए थे वो? फोन किए हैं। हाँ,
लेकिन सर जिस जिस तरह से हम लोग के साथ घटना हुआ है ना, उस तरह से कंप्लेन नहीं वो लिखे हैं। जब हमारे गाड़ी छिनाया गया, जबरन आवेदन अपने से लिखवाए हैं वो? हाँ, हम बोले थे ना सर कि सर कहाँ ऐसे आवेदन वाला लिखवा रहे हैं आप, तो बोल रहे हैं बड़ा बाबू मुंशी जी बोल रहे थे कि नहीं हाँ ऐसे लिखवाएंगे ना कि गंभीरा के हमारा बाइक छीन लिया है तो भारी केस हो जाएगा, आपको 5 साल तक ले कोर्ट में दौड़ना पड़ेगा। जब ऐसे लिखवाएंगे कि बाइक खड़ा करके हम मिठाई दुकान पर किनने गए हैं तब तक चोरी हो गया, डिकी में मोबाइल था, हमारा हेलमेट था, चोरी हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ है लेकिन छीना गया था। हाँ, छीना गया था, छीन के चारों लोग लेकर भाग गए थे। लेकिन कब की घटना है? घटना है सर 5 तारीख का, और लोग 6 तारीख को में लिखवाया है। अपना नाम बता दे। हमारा नाम राजमती देवी, हम अकोली का रहने वाला है सर। इनका घर कहाँ है? इसका घर सौजनिया पुनक है, हमारे ही घर जा रहे थे। हाँ, तो वहाँ से पैदल चल के आकर एक दुकान वहाँ पे खुला हुआ था चट्टी पर। सर मैं आ रहा था। कहाँ से? सदरपुर से अकोली आ रहा था। हाँ, मेरा बाइक छीन लिया लोग पिस्टल घुमा के, चार आदमी था वो बाइक में पहचान रहा है, वो एक आदमी को पहचान रहा है। वो कल वो दिन गया था तो बाइक आ गया पकड़ के इधर थाना में, तो मैं आदमी के पहचान लिया तो बड़ा बाबू धमकी दे के छोड़ दिया। मैं बोल रहा जाओ तुम्हारा केस नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपको भगा दिए। आवेदन देने गए थे? हाँ जी। लेकिन जो छीना था वो पकड़ाया था। कैसे पकड़ाया था? वो रात में आए थे पुलिस लोग घर अमनिया में छापामारी करने आए थे, वो पकड़ लिए फिर छोड़ दिया लोग। पहचाने थे आपको? हाँ पहचाने थे, उसके बाद भी छोड़ दिए हैं वो? तब भी छोड़ दिए। कहाँ पे गाड़ी छिनाया था आपका? पिपराइया मोड़ पे। पिपराइया? हाँ, बगीचा का लगा है, पिपराइया बगीचा का लगा है, असाव थाना क्षेत्र में। कहाँ घर है आपका, क्या नाम है? जानिए अपना घर है मेरा। कौन थाना पड़ेगा? दरौली पड़ेगा। अच्छा, छीने वाला क्या नाम है? बड़ी छीने वाला का सर मैं नाम नहीं जानता। नहीं जानता? पहचानते हैं बोले। कहाँ घर है आपका? सौजनिया पुनो दरौली थाना घर में। गए थे कहाँ? अकोली जा रहे थे। कहाँ? सदरपुर से अकोली जा रहे थे। रिलेशन में। अच्छा, तो तब तो छीन लिया। दिन में कि रात में? रात में 4:30 करीब में। सर सुबह में कि रात में? रात में, मैंने शाम को नहीं, निशारा सुबह में। हाँ सुबह में। ठीक।